आज का ये वीडियो पाइथन को लेकर के बना रहा हूँ और पाइथन में खासतौर पर टपल डेटा टाइप के बारे में समझना है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं कि क्या होता है इंटीजर डेटा टाइप, क्या होता है फ्लोट डेटा टाइप और बेसिक जो भी डेटा टाइप होते हैं उनके बारे में हम ऑलरेडी जान चुके हैं, नॉन डेटा टाइप के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हम बात करेंगे टपल डेटा टाइप की, ये लिस्ट से कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो चलिए आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और जानते हैं टपल डेटा टाइप के बारे में। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, यहाँ पर पाइथन को ओपन किया, यहाँ पर हम कोडिंग करेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम बना लेते हैं एल, एल से लिस्ट होता है और एल इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट बना रहा हूँ और यहाँ सिंगल इंटेड कॉमा में मैं लिखता हूँ आर ए एम राम। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखता हूँ कॉमा देने के बाद श्याम एस एच वाई ए एम, ये नाम लिख रहा हूँ मैं, देख सकते हैं तो ये लिखा राम और श्याम। फिर यहाँ पर कुछ और लिख देते हैं, लाइक यहाँ पे लिख देते हैं राजू आर ए जे यू, तो ये एक और नाम मैंने लिखा और फिर एक और नाम कॉमा देकर के लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया लाइक पिंकी पिंकी, ये कुछ नाम हमने टाइप कर दिए। ठीक है, अब हम प्रिंट करवाएंगे इसको, तो कैसे प्रिंट करवाएंगे, तो देखिए प्रिंट करवाने का सिस्टम मैंने पहले ही बताया था, यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट सीधा सीधा क्योंकि ये पाइथन है, तो यहाँ पर प्रिंट लिखा और किसको प्रिंट करवाएंगे, एल लिस्ट को, एल 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 को प्रिंट करवाएंगे। ठीक है, एल को प्रिंट करवाएंगे और यहाँ से रन करवा देते हैं, तो सीधा सीधा इसको रन करवाते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल जो हमने लिखा था सेम वही चीज हमें रिजल्ट में मिल रही है। ये कौन सा डेटा टाइप है ये कैसे पता, चूंकि स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है तो ये है आपका लिस्ट डेटा टाइप एल, इसीलिए मैंने लिखा है लिस्ट पहचान होती है, लिस्ट की पहचान होती है ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो स्क्वायर ब्रैकेट से आप ये पता कर सकते हैं ये लिस्ट डेटा टाइप हो सकती है। ठीक है, अभी बात करेंगे हम कि इसका फुल प्रूफ कहां से हमें मिलेगा ये लिस्ट ही डेटा टाइप है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक और ब्रैकेट ओपन करते हैं और यहां पे टाइप का यूज करते हैं। तो ये टाइप हमने यूज किया, अब लिस्ट का टाइप क्या है, ये जो हमने बनाया इसका टाइप क्या है वो ये बताएगा, तो कैसे बताएगा, यहां से रन करवाएंगे तो ये तुरंत देखिए यहां पर ये बता रहा है कि ये लिस्ट डेटा टाइप है। बात कर लेते हैं टपल की, इसको हटाते हैं, अब टपल की बात कर लेते हैं, तो यहां से इसको मैं हटाता हूं, अब हम बात करेंगे टपल की। टपल यानी कि पैरेंथेसिस, कैसे पैरेंथेसिस लगाना, ये टी मैंने लगाया यहाँ पे, टी नाम से बना लिया मैंने और यहाँ पे इज इक्वल टू लगाया और यहाँ पर पैरेंथेसिस बना रहा हूँ, स्मॉल ब्रैकेट बना रहा हूँ और उसके अंदर कुछ भी हमें लिखना है, लाइक यहाँ पे लिख देता हूँ लायन, अब ये जानवरों के नाम है, एनिमल्स के नाम है। ठीक है, ये लिख दिया, फिर मैंने जेब्रा जेड ई डी आर ए, तो ये लिख दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, फिर यहाँ आगे आता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ सिक्स, ठीक है सिक्स, सिक्स एक नंबर है, ठीक है नो प्रॉब्लम, आप नंबर यू कैन ऑल्सो राइट हियर, तो यहाँ पे सिक्स लिख देता हूँ, तो ये हो गया सिक्स। ठीक है, इसी तरीके से आगे लिखते हैं, कुछ और लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ लाइक रैबिट आर ए डबल बी आई टी, ये लिख दिया रैबिट, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कुछ नाम हमने लिख दिए हैं। अब इसको प्रिंट करवाने की बारी है, तो प्रिंट करवाने के लिए क्या करते हैं, सिंपली प्रिंट लिखते हैं, तो ये लिखा मैंने प्रिंट और प्रिंट स्टेटमेंट लिखने के बाद यहाँ पर इसको प्रिंट करवा देंगे, टी को प्रिंट करवा देंगे, तो पूरा सेट हमें प्रिंट होकर मिल जाएगा। कैसे, यहाँ पर इसको रन करवा देते हैं तो आप देखेंगे कि जो मैंने लिखा था वही चीजें प्रिंट होकर आ रही है। क्या प्रूफ है कि ये टपल डेटा टाइप है, क्या प्रूफ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये, यहाँ पर मैं टाइप इसका पूछ लेता हूँ तो ये यहाँ पर आ गए, टी वाई पी टाइप लिखा हमने और टाइप इसका क्या है वो यहाँ से पता चल जाता है, तो बस यहाँ से आप रन करवा दीजिए इसको और फिर देखेंगे कि इसका डेटा टाइप क्लास जो है टपल बता रहा है टपल। ठीक है, तो टपल इम्यूटेबल होता है, आप इसमें कोई चेंजेस परफॉर्म नहीं कर सकते, टपल क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, चलिए